देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज SDM कोर्ट परिसर में SDM महोदय विवेक राय के द्वारा बताया गया कि दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए एक कोरोना संक्रमण आंकड़ों के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के उद्देश्य से 2 दिवसीय लॉकडाउन जिले में लगाया गया है। लॉकडाउन समय में अति आवश्यक वस्तुओं के दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। अन्य क्षेत्र पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यातायात व्यवस्था पूर्णतः प्रतिबंधित की गई है। सड़कें पूर्ण रूप से खाली है। वहीं दूसरी ओर विवेक राय के द्वारा बताया गया कि शासन प्रशासन को व्यापार मंडल एवं शहर की जनता के द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है। SDM महोदय ने बताया कि शहर के जनप्रतिनिधि, व्यापारी वर्ग, आम जनता सभी की एक ही मांग थी कि लॉकडाउन लगा कोरोना चैन को ब्रेक लगाया जाए। जनता के द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। SDM महोदय ने बताया कि शहर के अंदर दूध, सब्जी, फल आदि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्णतः खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, अन्य बड़े शोरूम पूर्णतः प्रतिबंधित किए गए। शहर में खुली शराब की दुकानों को लेकर SDM विवेक राय द्वारा बताया गया कि सरकार के द्वारा पूरी प्रक्रिया के तहत अनुज्ञापी को एक अनुमति दी जाती है, जिसके तहत नियमों के अनुसार शराब की दुकानें खोलने का निर्णय शासन को होता है। हमारे द्वारा केवल उसका अनुपालन किया जाता है। अनुज्ञापी के शर्तों के अनुसार शराब की दुकानें खोलने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जाती है। आज लॉकडाउन में सड़कों पर लोग ही नहीं है तो खरीदार कहां से आएंगे। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी महोदय एवं अन्य अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र होते हैं, जिसके तहत हम काम करते हैं। SDM ने कहा कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराने हेतु कोई दबाव या कोई भी आदेश पारित नहीं किए जा रहे हैं। जनता को इसके बारे में सोचना होगा और कोरोना वायरस से कैसे मुक्ति पाए इस दिशा में काम करना होगा, क्योंकि जनता के हित को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा 2 दिवसीय लॉकडाउन प्रदेश के कई जिलों में लगाया गया है। आम जनता को अपने जीवन की रक्षा करने एवं सभी के जीवन की रक्षा करने के लिए कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए आगे आना होगा। आज वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए SDM विवेक राय द्वारा आम जनता से अपील की गई है। नियमों का पालन करें, मास्क लगाकर रहें, अत्यधिक समूह में एकत्रित ना हो। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग अति आवश्यक है, जिसको बनाकर रखें। आपका सहयोग वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण वायरस से प्रदेश को मुक्ति दिलाने में कामगार साबित होगा। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। इस तरीके से शासन ने 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है, शनिवार और रविवार को। किस तरीके की छूट दी गई है, क्या गाइडलाइन जारी हुई है प्रशासन की तरफ से? जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि थोड़ा सा हमारे संक्रमण की शिकायतें, प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ रही थी, तो इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया कि हम इस चेन को तोड़ते हैं, जिसके लिए 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन में सभी आवश्यकता की चीज़ें खुली हुई हैं, बाकी पूरी तरीके से पूर्ण लॉकडाउन है। जैसा कि आप सड़कों पे भी देख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है, लोगों ने महसूस किया है। इतना नहीं, लोगों के बीच से ही आवाज़ आ रही थी, चाहे वो व्यापार संगठन थे, चाहे जो है आम जनता थी, चाहे जनप्रतिनिधि थे, एक आवाज़ उठाने लगे थे कि फिर एक बार हमको जो है लॉकडाउन करके इस चीन को ब्रेक करना है। वो बहुत अच्छी तरीके से हल्द्वानी में उसका पालन हो रहा है। आप देख रहे हैं, केवल आवश्यकता की, मेडिकल की और आपका फल की, सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं, दूध की दुकानें खुली हैं और सारी दुकानें बंद हैं, सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद हैं। कोई भी ऐसी दुकान जो कि ग्रुप में है वो सब बंद है। क्या शराब को भी गवर्नमेंट ने एसेंशियल सर्विसेज में रख दिया है? अब एसेंशियल सर्विस तो नहीं है शराब, लेकिन ये है कि जब सड़क पे आदमी ही नहीं है तो शराब की दुकान खुली रहेगी तो दिक्कत क्या है? नहीं, शराब सर एसेंशियल सर्विसेज ना होते हुए भी शराब को, शराब की दुकानें खोलने की अनुमति मिली, जबकि लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हम एक पूरी प्रक्रिया करके अनुज्ञप्ति देते हैं किसी को, उस अनज्ञप्तिधारी के कुछ राइट होते हैं, उन राइट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये शासन का निर्णय है, हम लागू करवाने वाले हैं, उस पर कमेंट करने वाले नहीं हैं। लेकिन मैंने आपको संकेत में बता दिया कि अनज्ञप्ति की जो शर्तें हैं उससे बंधे होते हैं शासन भी और जिला प्रशासन भी, सभी लोग, उनके भी कुछ राइट्स हैं जिसके लिए सब डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो
नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती बंद कराएंगे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को खुद ही पहल करनी चाहिए, कि लोगों के हितों में यह किया जा रहा है, लोगों को खुद पहल करनी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ ये भी दुकान बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे चेन ब्रेक होगी, आदमी जो है के जीवन की रक्षा होगी, ये जनहित में। जी अभी तक नैनीताल जिले का आंकड़ा क्या पहुंच चुका है पॉजिटिव? एग्जैक्ट चूंकि मैं एक सब डिवीजन में काम करता हूं, तो पूरे जिले के आंकड़े के संबंध में अगर कोई वक्तव्य देता हूं, हो सकता है उसमें कोई अंतर आ जाए, इसलिए मेरे स्तर से बताना उचित नहीं होगा।